हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमायर क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास होगी और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हुआ है, जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, जो अभी आपका एग्ज़ाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो Study19 कोड आपको अप्लाई करना है, वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ जिससे आप। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण हमारा कहलाएगा इस्पात उद्योग। जी हाँ दोस्तों, पूंजी प्रधान उद्योग क्या होते हैं? तो वे उद्योग जिनमें पूंजीगत परिसंपत्तियों में उच्च निवेश की ज़रूरत होती है, फिर ज़्यादा निवेश की ज़रूरत होती है, ऐसे निवेश कहलाते हैं पूंजी प्रधान उद्योग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस्पात उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का तत्पर्य समझ में आ गया। अगर वैश्वीकरण का जो उपयोग है अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 से किया जाता रहा है, लेकिन 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या फिर प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? दोस्तों, सरकार के द्वारा अगर कोई भी अवरोध लगाया गया, कोई भी प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसको हटाना लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उदारीकरण। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होता है? दोस्तों, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट जो है कि इकोनॉमी की हम बात करें, तो इसमें मांग और पूर्ति पे जो है कि निर्धारित होता है कीमत। ठीक है, उसकी सप्लाई और डिमांड के द्वारा जो है कि निर्धारित किया जाता है कीमत को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति। नेक्स्ट, रखो और निकालो यह किसकी नीति है? दोस्तों, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसी की नीति है निकालो, रखो और निकालो, या फिर कह सकते हैं हायर एंड फायर। हायर एंड फायर काफ़ी फेवरेट वर्ड है, हायर एंड फायर। ठीक है, तो यह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो है कि नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? दोस्तों, साम्यवाद निजी संपत्ति के खिलाफ है। ठीक है, तो साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन क्या हो जाएगा? निजी संपत्ति। दोस्तों, समाज जो ये हमारा साम्यवाद है, इसका उद्देश्य पूंजीपतियों के संपत्ति पर से अधिकार को समाप्त करना होता है, क्योंकि इनका मानना है कि यही एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण करने के लिए उसे प्रेरित करता है। यानी कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा धन होगा तो वो अपने से निचले तबके का जो व्यक्ति है उसका शोषण करेगा। तो इसी के लिए साम्यवाद जो है इसके निजी संपत्ति के खिलाफ है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति। नेक्स्ट, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है? दोस्तों, किसी भी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी देश से इंपोर्ट कम करते हो और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो तो ये आपके देश के लिए अनुकूल होगा, यानी कि अच्छा होगा, फेवरेबल होगा। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है?
कि अगर आप एक्सपोर्ट अधिक करें और इंपोर्ट कम करें तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक। नेक्स्ट, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो प्राकृतिक संसाधनों पर, उसके पूंजी निर्माण पर और बाजार के आकार पर डिपेंड करता है। यानी उसका प्राकृतिक संसाधन कैसा है, पूंजी निर्माण कैसा है और बाजार का आकार कैसा है, मार्केट का जो आकार कैसा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वह फर्में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों, ये कहलाता है सुस्पष्ट लागत। जी हाँ दोस्तों, जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं या फिर सेवाओं के लिए फर्मों के द्वारा किया जाता है उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो कहलाता है सुस्पष्ट लागत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये कहलाएगा हमारा अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली वर्ड भी आपको मिल सकता है, तो ये भी ध्यान में रखें। तो बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को ओलिगोपोली या फिर अल्पाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण बाजार की स्थिति कब विद्यमान होती है? दोस्तों, जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता दोनों हों, यानी कि बायर्स भी ज़्यादा हों और सेलर्स भी ज़्यादा हों, तो ये हो जाता है पूर्ण बाजार। यानी कि इसको कहते हैं, आप कह सकते हो कि यहाँ पे कंप्लीट जो है कि कंपटीशन होता है। तो ये हो जाएगा जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता दोनों उपस्थित हों, यही कहलाएगा पूर्ण बाजार। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहिता कौन होता है? दोस्तों, पूर्ण स्पर्धा यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो कीमत ग्रहिता होता है, यानी जो कीमत निर्धारित करने वाला होता है, वो होता है फर्म। यानी फर्म के द्वारा कीमत निर्धारित किया जाता है कब? जब परफेक्ट कंपटीशन हो। मार्केट में अगर परफेक्ट कंपटीशन हो तो रेट जो है वो फर्म के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? दोस्तों, किसी बाजार में जो सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता होती है, इसी के द्वारा संतुलन कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है? दोस्तों, श्रमिक अशांति, अगर किसी भी उद्योग में अगर श्रमिक अशांति हो, अगर श्रमिकों के द्वारा जो है कि अगर वो खुश नहीं है, तो ये औद्योगिक अस्वस्थता का संकेत है। बाजार मांग में अगर कमी है तो ये भी अस्वस्थता का संकेत है। बाजार का अगर संकुचन हो रहा है, बाजार अगर छोटा हो रहा है, तो ये भी जो है कि औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत है। लेकिन अगर आपके औद्योगिक उद्योग में अगर लाभ में कमी हो रही है, ठीक है, तो वो तत्कालिक संकेत नहीं है औद्योगिक अस्वस्थता का। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बाद में चल करके आपको लाभ अधिक मिलने लगे। तो तात्कालिक संकेत कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लाभ में कमी। नेक्स्ट, उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को क्या कहते हैं? दोस्तों, अगर हम उधार लिए हैं और उधार ली गई जो निधि है, अगर उसका ब्याज हम देते हैं, तो वो कहलाता है ब्याज दर की साधारण दर। जी हाँ दोस्तों, उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए जो हम ब्याज देते हैं, तो उस ब्याज को हम साधारण दर कहते हैं। क्योंकि ऐसे ब्याज जो होते हैं वो लंबे टाइम के लिए नहीं होते, लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्याज दर की साधारण दर। नेक्स्ट, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? दोस्तों, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं हो, यही होता है स्वर्ण बुलियन मान। ठीक है, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। दोस्तों, स्वर्ण मान के ये पांच प्रकारों में से एक होता है, और इसमें जो सोना है या स्वर्ण है, इसके आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होती है। नेक्स्ट, विश्व बैंक का एक अन्य नाम कौन सा है? दोस्तों, विश्व बैंक को हम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ये एक और नाम है विश्व बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? दोस्तों वर्गीज कुरियन, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध क्रांति यानी कि डेयरी उत्पादन से संबंधित है, तो वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों स्वर्णिम क्रांति जिसको गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इसका संबंध जो है उद्यान कृषि और मधुमक्खी पालन से है। उद्यान कृषि और मधुमक्खी पालन, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों इसमें सही है, ठीक है। तो स्वर्णिम क्रांति किससे रिलेटेड है? तो वो हो जाएगा उद्यान कृषि से और मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में संतुलन का अर्थ क्या है? दोस्तों अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ है बराबर शेष। जहाँ दोस्तों यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कार्यशील शक्तियाँ एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। अगर अन्य शब्दों में हम बात करें तो आर्थिक संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन का जो कि अभाव पाया जाता है, यानी कि परिवर्तन नहीं होता और इसमें वृद्धि और कमी की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बराबर शेष। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।